जंगल जितनी घनी और जितनी ज्यादा क्षेत्र में फैली होती है उतनी ही विचित्र चीजों के मिलने की संभावना होती है। आज मैं ऐसे ही 5 विचित्र चीजों के बारे में बताऊंगा जिसे आप देखकर एक पल के लिए तो जरूर चौंक जाएंगे, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस धरती पर कई ऐसे जानवर है जो खतरे को महसूस करते ही तुरंत से मरने का नाटक करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे आप नॉर्थ अमेरिकन हॉगनूज स्नेक को ही देख लीजिए। इस सांप को जब भी खतरा महसूस होता है तब यह पहले अपने फन को उठाकर सामने वाले जीव को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई इसके फन से नहीं डरता है तब यह एक और चाल चलता है। इस चाल में वह अपने शरीर को खुद से तोड़ मरोड़ कर खुद को खूब दर्द भरा दिखाने की कोशिश करता है। साथ ही यह सांप अपने मुंह को खोल कर जीव को बाहर निकाल कर और अपने शरीर को उल्टा करने के साथ अपने शरीर को एकदम स्थिर कर लेता है और देखने पे लगे कि मानो कि इसके शरीर से पूरा जान ही निकल गया हो। हालांकि ये सांप जहरीली नहीं होती है, लेकिन इसके नौटंकी को देखकर कोई भी जीव जरूर चकमा जाएगा और इसके नकली मरने की स्थिति में ही छोड़ देगा। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि अक्सर बर्ड छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मकड़ियों जैसे चीजों का शिकार करके उसे हजम कर जाते हैं, लेकिन एक ऐसी भी मकड़ी है जो कि बर्ड्स को ही शिकार करके चट कर जाती है। यह मकड़ी दक्षिण अफ्रीका के वर्षा वन में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी है, जिसका नाम गोलियथ बर्ड ईटर है। इसकी लंबाई लगभग 1 फीट तक हो सकती है। वैसे अगर ये मकड़ी इंसानों के अगल बगल रहे तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मकड़ी जहरीली नहीं होती है। रेफलेसिया आर्नोल्डी पौधा। यह मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक परजीवी पौधा है। इस पौधे की फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इस फूल का वजन लगभग 10 किलो और लगभग 3 फीट चौड़ी होती है। जब यह फूल खिलती है तब इस फूल में से सड़े हुए मांस की बहुत तेज बदबू निकलती है। यह फूल खिलने के बाद 7 से 8 दिनों तक खिली हुई रहती है और फिर यह फूल सड़ने लगती है। यह पौधा इतना रेयर है कि अब लगभग लुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, आपको ये पेड़ देखकर शायद अजीब लगेगा, क्योंकि इस पेड़ का फल टहनियों पे लटकने के बजाय डायरेक्ट पूरे तने पे ही निकलते हैं। अगर एक पल के लिए देखा जाए तो मानो कि इस पेड़ पर फलों ने जोर से आक्रमण किया है और इस पेड़ के हर एक हिस्से को फलों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इस फल का नाम जबूटी काबा है, जो कि अंगूर की तरह एक फल है। यह फल केवल अमेजन वर्षा वन, ब्राजील के कुछ राज्यों और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कैमोफ्लैज मतलब छलावरण की बात करी जाए तो कुछ जानवर इसमें इतने माहिर होते हैं कि वह अपने वातावरण के मुताबिक खुद को एकदम से ऐसा डाल लेते हैं कि वह जब तक कोई भी प्रतिक्रिया ना करे तब तक उन्हें नंगे आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे कि आप सैटेनिक लीफ टेल लेजर को ही देख लीजिए, जो कि गेको प्रजाति की छिपकली है। अगर यह छिपकली सूखी पत्तियों के बीच में रहे तो शायद ही आपकी नजर इस पर पड़ेगी। यह लगभग 2.5 से 3 इंच तक लंबा होता है। यह छिपकली सिर्फ और सिर्फ मेडागास्कर में ही पाई जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह जीव अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग पैसों के चलते इसकी तस्करी भी काफी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कुछ राय देनी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।